सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुड न्यूज़ है क्योंकि अगर आप लोग सैमसंग के M सीरीज का नया स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे तो फाइनली सैमसंग ने इसका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया है और इनका जो वेरिएंट है, मॉडल नंबर है और कितने वेरिएंट आएंगे, ये सभी कुछ यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ स्टेट में यहाँ पर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है वहाँ पर काम चालू हो गया है, लेकिन कुछ एरिया में जहाँ पर रेड जोन है वहाँ पर काम चालू नहीं हुआ है। तो सैमसंग ने कहा है कि जो एरिया ग्रीन और ऑरेंज जोन में है वहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M51 का यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में ये निकल के आ रहा है कि ये स्मार्टफोन का जो स्टोरेज वेरिएंट है ये दो वेरिएंट के साथ आएगा, एक आएगा 64 GB और दूसरा आएगा 128 GB। और इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है बताया जा रहा है कि पंच होल डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन यहाँ पर आएगा। हालांकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं मिला है। कुछ रिपोर्ट का ये भी कहना है कि ये जो स्मार्टफोन आएगा सैमसंग का M51 ये बेसिकली रीब्रांडेड होगा सैमसंग के A51 से, लेकिन सेम रीब्रांडेड नहीं होगा, आपको डिज़ाइन और चिपसेट के मामले में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से अगर आप देख सकते हैं इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर भी निकल के आया है और ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो चिपसेट है और हार्डवेयर फीचर्स और जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर चेंज होगा। जिस तरह से आप लोगों ने 2019 में देखा था कि सैमसंग का जो M30S था वो बिल्कुल सेम था सैमसंग के A50S से, लेकिन डिज़ाइन और थोड़ा स्पेस और कैमरा स्पेस में आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिला था, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं कि यह स्मार्टफोन में एग्जैक्टली सैमसंग कौन सा चिपसेट इस्तेमाल करता है। जहाँ तक लग रहा है कि आपको शायद क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट यानी कि 720G, मैंने आप लोगों को पुराने सैमसंग के वीडियो में बताया था कि M सीरीज में आप लोगों को नया चिपसेट देखने को मिल सकता है, तो शायद आप लोगों को ये चिपसेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी मिलेगा जिस तरह से बाकी सैमसंग के M सीरीज के स्मार्टफोन में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो स्पेस है वो तो काफ़ी अच्छा है और सैमसंग अपने M सीरीज की प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिवली लॉन्च भी करता है और रखता भी है और लोगों को ये चीज़ें पसंद भी आता है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन की जो प्रोडक्शन है वो तो स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कब तक आएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद आप लोगों को जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए ऑफिशियली दिखने वाला है। अब जो भी रिपोर्ट निकल के सामने आएगा मैं आप लोगों को चैनल में अपडेट देता रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ और एक सैमसंग का M सीरीज का स्मार्टफोन आएगा जो कि है सैमसंग का M31S। तो M31S के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन कैसा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।